बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन जो है वो होती क्या है। मसलन आपके पास एक एटम है, उसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो वो बनती है 1s2, और उसके बाद 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। ठीक है, तो ये इसका वैलेंस शेल हो गया, और इस वैलेंस शेल में मौजूद जो ऑर्बिटल्स हैं, अगर देखा जाए तो इन ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल क्या है, सेम है। px है, py है, pz है, इन तमाम ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल क्या है, सेम है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से एक जितने फासले पे मौजूद हैं। तो एनर्जी लेवल सेम होने की वजह से ये ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो इन ऑर्बिटल्स का आपस में इंटरमिक्स होना ये कहलाता है क्या, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कहलाता है। ठीक हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू आर मोर ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी शेप एंड साइज टू फॉर्म दी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू आर मोर ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी शेप एंड साइज टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स या टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक हो गया कि दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स का आपस में इंटरमिक्स होके सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स बनाने का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस सेट टू बी अ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसकी डिफरेंट जो हैं वो टाइप्स हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, dsp3 हाइब्रिडाइजेशन, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, d2sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो हम डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे हमारे इस सेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन को, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को, कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होती है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स टू फॉर्म 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक हो गया। तो sp3 क्या होगी कि ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें एक s और 3p ऑर्बिटल्स जो हैं हैविंग अ डिफरेंट एनर्जी शेप एंड साइज इंटरमिक्स होते हैं टू फॉर्म दी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, बनने वाले ऑर्बिटल्स की तादाद भी उतनी ही होती है। जब हम बात करेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की या डी जनरेट ऑर्बिटल्स की, तो दीज आर दोज ऑर्बिटल्स हैविंग अ सेम एनर्जी शेप एंड साइज। कि ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी शेप एंड साइज सेम होगा, उनको हम डी जनरेट ऑर्बिटल्स कहेंगे, या उनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो उसका नाम देंगे। ठीक हो गया। तो हम sp3 में एग्जाम्पल करते हैं जी मीथेन के मालिक्यूल की फॉर्मेशन की। तो मीथेन के मालिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए हमारे पास है कार्बन। कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2
2s2, 2px, 2py, and 2pz हो जाएगा। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास, और पी जी ऑर्बिटल के पास क्या होगा, जीरो इलेक्ट्रॉन होगा। ये इसकी क्या होगी है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट होगी, ये इसकी ग्राउंड स्टेट होगी। और एक्साइटेड स्टेट में आपके पास ये बनेगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, ये बना जी 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1। ये इसकी क्या होगी है, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी। ठीक हो गया। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में क्या होगा कि एक एस और तीन पी जो है वो आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, यानी कि एक एस और तीन पी मिक्स होंगे। इसी मुनासबत से इसे हम कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो आपके पास ये बन गया sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 और sp3 सब में जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गई, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ठीक हो गया। अच्छा, अब ऐसा है कि ये जो ऑर्बिटल्स बने हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनकी शेप ऐसी होगी, एक स्मॉलर लोब होगी और एक जो है वो बड़ी होगी। सारे ऑर्बिटल्स एनर्जी और शेप के लिहाज से वो सेम होंगे। ये आपके पास कौन से ऑर्बिटल्स आ गए, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए, जो कि बने हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग से, एक एस और तीन पी ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्स से बने। और जिन एलिमेंट्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, उसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि ये वाले जो ऑर्बिटल हैं ये अपने आप को अरेंज करेंगे टेट्राहेड्रल पैटर्न में। ये आपके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया कि जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद। ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3, और ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। ठीक हो गया। तो हर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो स्टेबल होता है। ठीक है, यानी कि इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो वो बनता है 1s1, यानी कि इसके s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये s ऑर्बिटल हो गया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल जो है वो कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ करेगा ओवरलैपिंग, sp3s ओवरलैपिंग। यहाँ पे इसकी ओवरलैपिंग हो जाएगी sp3s, और यहाँ पे इसकी हो गई sp3s ओवरलैपिंग। तो 4sp3s ओवरलैपिंग के नतीजे में आपके पास जो है वो क्या बन गया, मीथेन का मॉलिक्यूल जो है वो बन गया। ठीक है, और जिसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109.5 डिग्री का जो है वो बॉन्ड एंगल जो है वो बन जाएगा। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, और बॉन्ड एंगल जो है वो कितना होगा, 109.5 डिग्री का जो है वो बॉन्ड एंगल होगा। अच्छा, इसके अलावा जी हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की। तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के लिए हमें चाहिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 7। ठीक हो गया। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, 1s2, 2s2, 2px, 2py, and 2pz हो गया। ठीक है, तो इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। यही इसकी ग्राउंड स्टेट होगी, और यही इसकी जो है वो हो जाएगी एक्साइटेड स्टेट। अब क्या होगा कि एक एस और तीन पी ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होके चार जो हैं वो आपके पास बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। के पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, sp3 और ये sp3। ठीक है, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, बाकी तीन में जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब इन ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होगी कि ये शेप सबकी जो है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब हमने अभी पढ़ा कि अगर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हों, वो अरेंज होते हैं इन अ स्पेस टेट्राहेड्रल पैटर्न में, यानी कि ये वाले जो चार आपके पास ऑर्बिटल बने हैं ये कैसे अरेंज होंगे, टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास ये बना दी
ठीक है, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये भी sp3, sp3 और sp3 हो गया। ठीक है, अब एक इसमें जो ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल वो होता है जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरे हों। तो ये ऑर्बिटल आपका कंप्लीटली फिल्ड हो गया और तीन ऑर्बिटल्स क्या हैं, पार्शली फिल्ड है। अगर हम हाइड्रोजन के एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो ये क्या होता है कि इसके एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ठीक हो गया, अब ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। कौन सी ओवरलैपिंग करेगा, एस पी थ्री एस ओवरलैपिंग, और ये भी एस पी थ्री एस ओवरलैपिंग, और ये भी एस पी थ्री एस ओवरलैपिंग जो है वो हो जाएगी। ठीक हो गया, बीच वाला आपके पास क्या हो गया, नाइट्रोजन, और तीन इसके साथ जो है वो लग गए हैं हाइड्रोजन, और ऊपर जो है वो एक लॉन पेयर मौजूद है। और इस केस में जो बॉन्ड एंगल होगा वो 107.5 डिग्री का होगा इंस्टेड ऑफ 109.5, यानी कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी है फिर भी बॉन्ड एंगल कितना है 107.5। तो ये कम कैसे हो गया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लॉन पेयर। लॉन पेयर की वजह से ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 107.5 डिग्री का जो है वो बॉन्ड एंगल हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर होगी बात। एक हम मॉलिक्यूल की और फॉर्मेशन करते हैं, वो हमारा है जी वाटर का मॉलिक्यूल। तो इसमें अगर हम देखें कि ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, यहाँ पे आपके पास ये सूरत-ए-हाल बन जाएगी, और आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन दो ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या होंगे, कंप्लीटली फिल्ड होंगे, यानी कि दो ऑर्बिटल्स में दो दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। चार ऑर्बिटल्स बने, दो कम्प्लीटली फिल्ड हैं, दो क्या हैं, पार्शली फिल्ड हैं। ये अपने आप को अरेंज करेंगे टेट्राहेड्रल पैटर्न में। ठीक है, यानी कि जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो जो ऑर्बिटल्स होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो कैसे अरेंज होते हैं, टेट्राहेड्रली अरेंज जो हैं वो होते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। अगर हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो बनती है 1s1। ठीक हो गया, अब एक हाइड्रोजन का एटम जो है इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा sp3 s ओवरलैपिंग, एक यहाँ पे जो है वो ओवरलैपिंग करेगा sp3 s ओवरलैपिंग, बीच वाला जो है वो आपके पास ऑक्सीजन है, दो इसके साथ लग गए हैं हाइड्रोजन, और दो इसके ऊपर मौजूद हैं लॉन पेयर। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 104.5 डिग्री का। कम कैसे हो गया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द टू लॉन पेयर्स। जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 नहीं होगा बल्कि 104.5 होगा ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो इस तरह करके ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन की हमने वाटर की, अमोनिया की और मीथेन की जो है वो फॉर्मेशन पढ़ी। आज के हमारे टॉपिक में इतना ही था, नेक्स्ट में जो है वो अगली टाइप के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।